हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं लाख की चूड़ियां पाठ अध्ययन करेंगे। लेखक है कामतानाथ। लाख की चूड़ियां कामतानाथ की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण के विकास से गांव के कुटीर उद्योगी की पीड़ा का वर्णन किया है। लाख की चूड़ियां कहानी को लिखा है कामतानाथ जी, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छीनते कारीगरों रोजगारों को तो दर्शाया ही है, साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और एक डेढ़ महीना रहकर आते थे। वहां पर उन्हें बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। वह पैसे से मनिहार यानी चूड़ियां बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी विवाह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताते हैं कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे परिचय देने से बदलू ने उसे पहचाना। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डालिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार 10 जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। कठिन शब्दों के अर्थ, चाव यानी चाह रुचि, तीव्र इच्छा, सलाख यानी सलाई धातु की छड़, मुंगरी यानी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, पैतृक यानी पूर्वजों का यानी पिता से प्राप्त या पुस्तैनी, खपत यानी माल की बिक्री, वस्तु विनिमय यानी पैसों से न खरीदकर एक विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, कसर यानी घाटा पूरा करना कमी, नाजुक यानी कोमल, पगड़ी यानी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा पाग।
मरहम यानी पट्टी, जख्म का इलाज घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, और मचिया यानी बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी, यानी जो बैठने के लिए उपयोग किया जाता है, और मुखातिब यानी देखकर बात करना, और डलिया यानी बांस का बना एक छोटा पात्र, भवना यानी सजना, शोभा देना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।